GST को हटा दो, हटा दो, हटा दो, GST को हटा दो, हटा दो, हटा दो, कोरोना का शोर कहीं पर बचाओ, 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 कोरोना बीमारी को बचाओ, 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 माइक लेके बोलो। ಬಟ್ಟೆ ಜವಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ 5% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಏನಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70-80 ಲಕ್ಷ ಜನ ಜವಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಿದ್ದವರು 4-5 ಕರೋಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಬಡ ಜನರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಡ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, JDT ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂದುಪಡೆದೇವಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋದಿಯವರೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನದಲ್ಲ GST 5% ಏನದಲ್ಲ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಮಾರ ಬಹುತಿ ಬಡ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೇ कि कपड़े जैसी आवश्यक वस्तु के ऊपर इन्होंने जो कर लगाया है इसको नहीं लगाना चाहिए. 5% का कर भी बहुत बड़ा बोझ एक गरीब लोगों के ऊपर हो जाता है. अब कोई गरीब 100 रुपये का कपड़ा लेने जाता है तो उसके ऊपर 5% का जो कर दिया जाता है वो 105 रुपया हो जाता है. ये 5 रुपये गरीब 5 रुपये के अंदर से तो पूरी रोटी कमा के खा लेता है एक दिन के अंदर. गवर्नमेंट के लिए इससे कोई मंसूबा नहीं बनता है. इसीलिए यह कर और कपड़ा जैसी आवश्यक वस्तु के ऊपर कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है. और हिंदुस्तान पूरे गरीबों का देश है और यहाँ पर गरीबों के हित के अंदर अगर कहा जाए तो यह कर बहुत ही ज़्यादा होता है. इस कर को केंद्र सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि यह कर बिल्कुल इसके ऊपर से हटा दिया जाए. खेती वाले जब बेचने को जाएंगे तो इसके ऊपर मल्टीपल टैक्स लगता है. जब कपड़ा तैयार होने के पहले उसका यान बनता है उसके ऊपर 14% की टैक्स लगता है. उसके बाद उसको और कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह करने को जाते हैं तो उसके ऊपर 5% टैक्स लगता है. उसके बाद हम जो बेचने को जाते हैं उसके ऊपर 5% टैक्स लगता है. लगता सिर्फ 5 सामने दिख रहा है लेकिन इसके पीछे कितना टैक्स लग रहा है वो किसी को पता नहीं चल रहा है. तो टोटली ऐसे एक कपड़ा जब तैयार होकर बाजार में बिकने को आता है तो 28% का टैक्स उसके ऊपर लग के आता है. जो गरीब से गरीब भी आदमी है तो उसको कपड़ा होना टन ढकने के लिए, और अमीर से अमीर आदमी भी है तो उसको भी कपड़ा पहनना पड़ता है, ज़रूरी है. इतना हो सकता है हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि भाई ये जो भी टैक्स है उसको हटा लें तो बहुत बेहतर है, टोटली हटाएं. इसलिए कि गांधी के दौर से है ना ये लागू नहीं है टैक्स. गांधी जी भी है ना इसको टैक्स नहीं लगाना बोलकर बोले सो है.